फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। तो फ्रेंड्स, हम इस फंक्शन को करने वाले थे कंप्लीट, बट माइक का कुछ इश्यू आ रहा था तो मैंने वीडियो को रोक दिया था। आगे करते हैं कंटिन्यू। हमने नोट्स मॉडल से डेटा गेट किया आईडी के बेसिस पर, और हमें क्या करना है, अपडेट करना है, मतलब सेव करवाना है। ओके, तो मुझे फॉर्म का डेटा रिसीव करना पड़ेगा। तो फॉर्म का डेटा रिसीव करने के लिए हम कंडीशन लगा देंगे। तो कहाँ से कॉपी करें, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको, और नीचे जाके हमें कर लेता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, और अगर मैं कुछ मैसेज भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि अपडेशन हो गया है या नहीं हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एरर नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। शुरू में उसमें ब्लैंक असाइन कर लिया, कुछ भी नहीं, और यहाँ पे पोस्ट मेथड हमने चेक किया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा नोट्स आईडी, देन आफ्टर स्टेटस। अब ये नोट्स आईडी और स्टेटस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो फॉर्म हमने बनाया था उसमें आप देखो, इसका नाम मैंने दिया है स्टेटस और इसका नाम दिया है नोट्स आईडी। वैसे आईडी रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मुझे केवल स्टेटस रिसीव करना है। ठीक है, तो इसको हटा भी सकते हैं हम, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड तो मेरे पास यहाँ पे आएगा, क्योंकि मैंने गेट का यूज़ किया है। तो स्टेटस को एस नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लेते हैं, और डेटा को सेव करना है। तो हम यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ट्राई एक्सेप्ट लगाएंगे तो और अच्छा है। तो ट्राई एक्सेप्ट ये मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके करता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो मैंने ट्राई और एक्सेप्ट लगा दिया, और यहाँ पे मुझे इतना सब कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, मुझे तो जो स्टेटस है उसको बस अपडेट करवाना है। तो मॉडल्स के अंदर हम देख लेते हैं, कॉलम का नाम मैंने स्टेटस ही रखा था। ठीक है, स्टेटस कॉलम था, उसको अपडेट करना है। तो आते हैं व्यूज डॉट पी वाई के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, पहले तो मैं गेट कर लेता हूँ इसको, नोट्स डॉट स्टेटस। ये मैंने वेरिएबल का जो नाम है वो नोट्स रखा है, तो उसके थ्रू मैंने स्टेटस को गेट कर लिया और उसमें असाइन कर दिया एस को। एस में क्या है, जो हमें डेटा मिलेगा फॉर्म से, और अगर सक्सेसफुली असाइन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एरर की वैल्यू नो हो जाएगी, अदरवाइज एरर की वैल्यू यस हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट ना लिख के रेंडर करवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसी वाले पेज पे रीडायरेक्ट करवा देते हैं, असाइन स्टेटस वाले पे, असाइन अंडरस्कोर स्टेटस। ओके, डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे लिखा डी। डी के अंदर मुझे असाइन भी तो करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा डी, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, एंड सिंगल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे की वैल्यू के फॉर्म में बता दूंगा। मैंने लिखा नोट्स, और यहाँ भी आ जाएगा नोट्स। फिर मैंने लगाया कॉमा एरर, इसको सिंगल कोट में लिखना है। ठीक है, तो एरर वेरिएबल के अंदर जो भी है उसको यहाँ पास कर दिया। ओके, इतना करने के बाद यूआरएल भी हमने सेट कर लिया। ठीक है, अब असाइन स्टेटस में, हालांकि अभी मैंने यहाँ कोई कंडीशन वगैरह तो नहीं लगाई है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कंडीशन भी लगाऊंगा रीडायरेक्ट करवाने के लिए, या फिर हम कहीं से कॉपी कर लेते हैं, हमने पहले भी किया होगा, साइन अप वाले पेज से कॉपी करते हैं। इफ एल्स की एक कंडीशन आ जाएगी, साइन अप साइन अप साइन अप वाला ये पेज था।
तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, बट अभी मैं रीडायरेक्ट करने के लिए मेरे पास कोई पेज नहीं है, तो मैं रीडायरेक्ट बाद में कर लूँगा। तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, असाइन स्टेटस वाले पेज में, और एंड ब्लॉक से पहले मैंने यहाँ पे लिखा अगर एरर की वैल्यू नो है तो आप मैसेज दिखा दो स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और इसको मैं बोल रहा था कि यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए, अभी मैं कहाँ रीडायरेक्ट कर दूँ इसको, पेंडिंग नोट्स पे भी कर सकता हूँ, या मैं एक पेज बना दूँगा ऑल अंडरस्कोर नोट्स, जिसमें मतलब सारे नोट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला यहाँ रीडायरेक्ट कर देंगे, बट अभी हमने बनाया नहीं है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको इसी पेज पे रखता हूँ। ठीक है, तो मैंने असाइन अंडरस्कोर स्टेटस ही लिख दिया, हम बना लेंगे तो हम चेंज कर लेंगे, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप कर लेना। ठीक है, ओके, इतना कर लिया मैंने। अब मुझे आई थिंक चेक करना चाहिए कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, जब तक रन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा क्या गड़बड़ है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, सब सही लग रहा है। ओके, अभी असाइन स्टेटस में तो हमें और वर्क करना है ना, यहाँ पे आके हमने यहाँ पे आईडी नहीं दिया, आईडी मुझे डिस्प्ले भी तो करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ रन करके, रिफ़्रेश किया, ओके यहाँ असाइन स्टेटस आ रहा है। थोड़ा सा पेज का साइज कम कर लेते हैं, या फिर इसको, ये एक लाइन में नहीं आ रहा, अलग अलग लाइन में जा रहा है, तो इसको हम या तो कंबाइन करके लिख लेते हैं। मैं आता हूँ वापस पेंडिंग नोट्स वाले पेज में, और यहाँ पे मैं इसको स्पेस अगर हटा दूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। ठीक है, बट मैं स्पेस दिखाना भी चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ न्यू लाइन में भी ना जाए, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एम परसेंट एन बी एस पी सेमी कोलन। ठीक है, ये स्पेस के लिए होता है। ओके, तो हमारा काम हो गया। तो फ्रेंड्स, कोशिश करना पड़ता है थोड़ा सा, आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली कई बार फेल भी होगे और कई बार सक्सेस भी मिलेगी, हो सकता है कुछ हम गलत भी कर रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे जाने पर उसको कुछ दूसरे तरीके से किया जाता हो, बट बहुत सारे अल्टरनेट तरीके होते हैं किसी चीज़ को करने के। ठीक है, कोई एफिशिएंट होता है, कोई एफिशिएंट नहीं होता है। ओके, बट एज अ कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट में आपको ये टीचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो असाइन स्टेटस, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे आईडी डिस्प्ले हो जाए, जैसे ये नोट्स का आईडी 1 था तो 1 आ जाए, यहाँ पे एक ही नोट्स है अभी, तो और रिकॉर्ड होता तो मैं आपको दिखाता, अभी जैसे ये 1 है तो मैं चाहता हूँ ये 1 यहाँ पे आना चाहिए, अगर रिकॉर्ड का आईडी 2 हो तो यहाँ पे 2 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, असाइन स्टेटस में आके यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, वैल्यू, और वैल्यू में मैं दिखा देता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स लगा के नोट्स का आईडी। ओके, और मैं चाहता हूँ ये आईडी कोई चेंज ना कर पाए, यहाँ पे ये 1 आ गया देखो, अब ये तो अभी मैं चेंज कर लूँगा इसको, तो मैं चाहता हूँ चेंज ना हो पाए ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रीड ओनली करना पड़ेगा, तो मैंने इसको लिख दिया रीड ओनली, रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। अब चेंज नहीं कर पाऊँगा इसको, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो रीड ओनली की स्पेलिंग तो सही है, रीड ओनली, रीड ओनली। ठीक है, मैंने यहाँ पे रीड ओनली लिखा है, फिर भी वहाँ पे अपडेट हो रहा है,
तो एक बार हम जाते हैं वापस यहाँ पे व्यू यूज़र्स पे। और अब मैं आता हूँ यहाँ पे। ओके, अब चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो अपडेट नहीं हुआ था हमारा कोड। ठीक है, हमने तो चेंज कर लिया था, बट कुछ टाइम लगता है लोड होने में। ओके, तो अभी अपडेशन हो चुका है सक्सेसफुल। ओके, तो अब हम चेंज करते हैं, स्टेटस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये बटन को भी थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा स्टाइलिश करने के लिए कुछ क्लासेस लगा ही देता हूँ। तो मैंने क्लास लगा दी बटन और बटन प्राइमरी। फॉर्म कंट्रोल लगा के फुल विड्थ का भी कर सकते हो, आप छोटा रखना चाहते हो तो छोटा भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, सो इधर आ गई। अब ये इधर क्यों आ रही है, काफ़ी सारे स्टूडेंट समझ चुके होंगे, ये कॉमन प्रॉब्लम आती है जब भी हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं। तो जेंगो में जब भी आप कोई फॉर्म बनाते हो तो आपको CSRF टोकन लगाना पड़ता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी से बचने के लिए। ओके, तो हम देखते हैं कहाँ था हमारा ये फॉर्म, यहाँ पे। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज और फिर परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट, इतना करना है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप फॉर्म बनाओगे तो CSRF अंडरस्कोर टोकन देना है। ओके, रिफ्रेश करना है। एक बार मैं वापस चले जाता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको एक्सेप्ट सेलेक्ट करके सबमिट कर दिया। तो अब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नो रिवर्स मैच। ओके, चेक करते हैं अभी कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, अपडेट तो हो चुका है बट यहाँ प्रॉब्लम आ गई हमारी। ओके, यहाँ पे आईडी तो पास हुआ नहीं, हमें तो आईडी पास करना पड़ेगा। तो इस लाइन को अभी मैं फ़िलहाल के लिए हटा ही देता हूँ, बाद में मैं इसको लगा दूँगा जब मैं ऑल ऑल नोट्स वाला पेज बनाऊंगा, व्यू ऑल नोट्स वाला। ओके, स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली। तो स्टेटस सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब ये यहाँ पे रिकॉर्ड अभी भी आ रहा है। ठीक है, अभी भी ये रिकॉर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि पेंडिंग नोट्स में हम जाएंगे तो आएगा ही आएगा, बट इसका स्टेटस तो अपडेट हो जाना चाहिए ना। स्टेटस अभी भी अपडेट नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं चेक कर लेता हूँ views.py के अंदर जाके, request.post स्टेटस को रिसीव कर लिया, notes.status असाइन कर लिया, नो। तो हमें कैसे पता चलेगा, एक बार हम views.py में। ठीक है, ये वाला कोड भी एक बार देख लेते हैं, स्टेटस इक्वल टू पेंडिंग। ठीक है, एक मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा एक्सेप्ट वाला, तो पूरा क्लियर हो पाएगा क्या गड़बड़ हो रहा है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और फंक्शन को पेस्ट कर लेता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, एक्सेप्टेड नोट्स, एक्सेप्टेड अंडरस्कोर नोट्स। और इसका टेम्पलेट में जाके इसका एक पेज भी क्रिएट कर लेते हैं, एक्सेप्टेड अंडरस्कोर नोट्स। ओके ओके, अब मुझे समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हमने सेव तो करवाया नहीं है, हमने डेटा असाइन तो कर दिया। ठीक है, तो कोड करते करते ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि क्या आप गलत कर रहे हो। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे असाइन किया है बट मुझे सेव भी तो करना पड़ेगा, तभी तो डेटाबेस में स्टोर होगा ना। ये तो टेम्प्रेरी असाइन किया था हमने। ओके, तो इसको सेव भी कर लेते हैं, सेव फंक्शन को कॉल कर लिया। ओके,
अब हम ये बना रहे हैं तो बना ही लेते हैं इसको। हम क्या करते हैं, पेंडिंग वाले पेज में जाके, पेंडिंग नोट्स वाला जो पेज था इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेंडिंग नोट्स देन आफ्टर एक्सेप्टेड नोट्स। ठीक है, चलो इसमें चेंज करेंगे, देख लेते हैं एक बार इसको रिफ्रेश करके। ओके, तो ये रीलोड होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है रीलोड होने में। ओके, ये आप देख रहे हैं पेंडिंग आ रहा है यहाँ पे। तो अब फिर से मैं असाइन करता हूँ, अब ये अपडेटेड का मैसेज आ गया और डेटाबेस में भी अब सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं जाता हूँ पेंडिंग में तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं आएगा, क्योंकि स्टेटस अब उसका चेंज हो चुका है। पहले क्या हो रहा था, वो टेम्परेरी चेंज हो रहा था, डेटाबेस में नहीं स्टोर हो रहा था। ठीक है, अब मुझे कहाँ दिखेगा ये, एक्सेप्टेड वाले में। ठीक है, तो मैं एक्सेप्टेड वाले उसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ इसका टाइटल वगैरह बस चेंज कर दिया, व्यू एक्सेप्टेड नोट्स, एक्सेप्टेड नोट्स, एंड यूआरएल में प्रोवाइड कर देता हूँ। फंक्शन तो मैंने बना ही दिया है, व्यूज डॉट पी वाई, काफ़ी सारे पेज ओपन हो चुके हैं तो कुछ क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो व्यूज डॉट पी वाई ये रहा, एंड यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे तो मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्टेड नोट्स आ जाएगा। ठीक है, इस पेज पे मैं रिडायरेक्ट कर दूँगा, यू आर एल्स में जाके देखता हूँ, यहाँ पे पेंडिंग नोट्स था, उसके बाद एक आ जाएगा हमारा एक्सेप्टेड नोट्स। और एक रिजेक्ट वाला भी बना देंगे, एक्स रिजेक्ट वाला आई थिंक आप भी बना लोगे, बस आपको एक यूआरएल पैटर्न बताना है, एक टेम्पलेट के अंदर आपको एक पेज बनाना है, एचटीएमएल पेज, और व्यूज डॉट पी वाई के अंदर एक फंक्शन रहेगा, और यहाँ कंडीशन चेंज होगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट। ठीक है, अगर स्टेटस क्या है, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट वाले पे एक्सेप्ट वाले अब यहाँ नोट्स दिखेंगे, पेंडिंग वाले पे पेंडिंग वाले दिखेंगे, और रिजेक्टेड वाले में रिजेक्टेड वाले दिखेंगे, कॉमन सी बात है। और अब यहाँ पे क्या देना चाहिए मुझे, यूआरएल बताना पड़ेगा मुझे। तो आते हैं एडमिन के नेविगेशन बार में, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और यूआरएल पैटर्न हमारा रहेगा एक्सेप्टेड नोट्स, एक्सेप्टेड नोट्स। ठीक है, तो ये यू आर एल पे हमारा फंक्शन कॉल होगा, एक्सेप्टेड नोट्स नाम का, जो व्यूज डॉट पी वाई के अंदर बना हुआ है, यहाँ चेक होगा, वो सारे नोट्स से डेटा गेट कर लो। फिल्टर लगाए क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, गेट लगाते हैं जब एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ऑल जब सारे के सारे रिकॉर्ड फेच करना है। ठीक है, बट कंडीशन के बेसिस पे सारे रिकॉर्ड फेच करना है तो फिल्टर। तो हम जाते हैं एक्सेप्टेड पे, तो ये एक्सेप्टेड में आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ से भी हट जाएगा, अगर मैं इसको क्या कर दूँगा, रिजेक्ट कर दूँगा, स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, अब ये एक्सेप्टेड में भी गायब हो गया, अब ये आएगा रिजेक्टेड में। तो ये आप ट्राई करो, अदरवाइज़ मैं तो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।